गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ गए, चाय बाय पी ली और ब्रश भी कर लिया है हमने, और हमारे साथ में है आस्था। आस्था यहाँ पर बैठी है, त्रिशा है, त्रिशा जो अपना होमवर्क कर रही है सुबह सुबह में, तो उसको दिक्कत आ रही है होमवर्क में, तो मैं थोड़ा बहुत सिखा लेता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल यही का सीन है, और आस्था कार्टून देख रही है मोबाइल में, मैथ्स में अपनी पढ़ लिखाई कर रही है। तो इसने ये लिखा है, और ये कुछ है जो कि गुजराती में है, आपको मालूम नहीं होगी, जो जिन लोग गुजराती होंगे उनको ही मालूम होगा। तो ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, तो उनको समझ में भी आ गया है। तो फिलहाल तो अभी तो यही का सीन है, और यहाँ पर आस्था कार्टून देख रही है, यहाँ पर जानू सब्जी की तैयारियों कर रही है, दोपहर की सब्जी को सुबह सुबह में कर रही है तैयारी। सुबह के 7 बज गए, अभी हमारे को अभी खेत में थोड़ा काम है, तो वो काम निपटा के हम वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं खेत में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं खेत में। यहाँ पर खेत में जो हमारे कपास बोए थे, इसमें क्या होती है, दवाइयों डालनी पड़ती है, तो दवाइयों डालने के लिए हम आ चुके हैं। तो फिलहाल तो अभी करते हैं दवाइयों डालने की स्टार्ट। तो सो गाइस, अभी हमारा दवाई का काम जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब चलते हैं घर पे। तो घर पे जाके तो पहले तो नहा लेंगे। इस खेत में से हम वापस आ चुके थे घर पे, और आने के बाद सबसे पहले तो हमने नहा लिया था, और नहाने के बाद हमने पहले तो खाना खा लिया, यानी कि हम अपना ब्रेकफास्ट था वो कर लिया, और फिलहाल तो अभी चलते हैं हम जॉब पे। तो शाम को ही मिलेंगे, शाम के 5 बजे के बाद मिलेंगे। तो गाइस मिलते हैं शाम को। जब भी उन्होंने त्रिशा के कपड़े पहन लिए हैं। 5:30 बज गए, और त्रिशा आस्था दोनों खेलने के लिए गई थी, तो आस्था को मैं वापस ले आया हूं, और त्रिशा वहां पर खेल रही है। सभी बच्चे खेल रहे थे, तो उनके साथ ये भी खेलने लगी है। तो फिलहाल तो मैं आस्था को लेकर घर चल रहा हूँ, और ये खेल रही है। अभी हम जा रहे हैं त्रिशा, आस्था और तीनों जन थोड़े घूमने के लिए। आस्था यहाँ पर और त्रिशा वहाँ पर बीच में, खेत के बीच में चल रही है। तो आस्था तो बिल्कुल सही जगह पर चल रही, लेकिन वो नहीं सही जगह पर, उनको तो अलग ही करना अच्छा लगता है, तो ये काफ़ी सही चल रही है। तो मेरे साथ में दोनों ही आए हैं, आस्था, त्रिशा और मैं, तीनों ही साथ में आए हैं। तो ये कुछ इस तरह के चलती है, रास्ता सीधा है पर चलने में वो टेढ़ी ही चलेगी, तो उनको बीच खेत में से चलना अच्छा लगता है। तो ये पूरा गड्ढा है, इसमें कुछ नहीं, पैर मत डालो, चलो पैर मत डालो इसमें, आगे चलो, आगे चलो। तो यहाँ पर ये मोर अच्छे से आवाज़ निकाल रहा था, वाह। आस्था बोल रही है मोर नहीं बोलो, पिकॉक बोलो उसे, वाह वाह क्या इंग्लिश है तेरा। तो चलो आगे। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो कुछ इस तरह का लोकेशन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते ही रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने की बात नहीं है। बिल्कुल हमारे फॉर्म पे आ गए हम, तो यहाँ पर आस्था खेल रही है, और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जो कि टॉयलेट का काम है, तो वो चल रहा है। तो ये त्रिशा और आस्था दोनों खेल रही है। You call up my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. यहाँ पर काफ़ी सारे खेत में और सभी जगह पर घूम लिया, फिलहाल तो चलते हैं अब घर पे। तो पैदल ही आए थे, लेकिन रिटर्न हम जा रहे हैं बाइक पे, तो घर पे ही मिलेंगे डायरेक्ट। घर पे आ चुके हैं, और आस्था यहाँ पर चौली की सिंह चौली खा रही है। फाइनली खेत में से घर आ चुके हैं, और घर पे फिलहाल तो अभी बन रही है चौली की सब्जी, और यहाँ पर रखा गया है। तो जानू बना रही है चौली की सब्जी, और चावल बन रहे हैं, तो रात का खाना यही होगा, चौले की सब्जी और चावल, और दूध भी साथ में होगा। तो यहाँ पर आस्था अपनी पढ़ाई कर रही है,
पीछे बैठकर पढ़ाई कर रही है। सुबह जो तुषा ने होमवर्क किया था तो वो हम चेक करने के लिए बैठ गए हैं। तो फिलहाल तो ये हम चेक करने के लिए बैठे हैं, तुषा का जो होमवर्क था तो उसने कितना सही किया है, तो हम ये देखने के लिए बैठे हैं। तो फिलहाल तो अभी ये होमवर्क तो बिल्कुल ठीक ठाक किया है, लेकिन कुछ दिक्कत वो आने लगी है इसमें, क्योंकि उनको चाहिए कलर तो उनके पास है नहीं, वो पुराने कलर यूज़ कर रही है। तो हम कल जाएंगे बाजार और उनके कलर जो नए कलर है वो लेके आएंगे, तो फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही तो फिलहाल तो यही पुराने वाले कलर से काम चलाना पड़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ जगह पर कलर्स होने की ज़रूरत होती है तो उनको दिक्कत होती है, तो हम कल ले आएंगे कलर्स वापस। कहाँ कहाँ कलर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ये तो पुराने इसमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और दूसरी का कहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी बुक्स जो होती है उसमें कलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको शिकायत है। तो कल हम फाइनली कलर्स लेके आएंगे और नहीं तो और उनको भी साथ ले जाएंगे, जो उनको पसंद आए वही लेके आएंगे। रात के 9:30 बज गए हैं और सबने खाना खा लिया है, और फिलहाल तो करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।